नमस्कार दोस्तों, म्यूज़िक नेट जेआरएफ जून 2020 की इस टेस्ट श्रृंखला में जैसा कि हम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं और आज ये टेस्ट फोर आपके सामने प्रस्तुत है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि म्यूज़िक से जुड़े नोट्स एवं पीडीएफ के लिए अब आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ मैं अपने जो नोट्स हैं, पीडीएफ हैं, जो मैं ये वीडियो में नहीं समझा पाती हूँ या आपके लिए ज़रूरी है, मैं वहाँ पे अपलोड करती हूँ। सो प्लीज़ आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कराई हुई है। सो शुरू करते हैं आज का टेस्ट। हमारा प्रथम जो यहाँ पे प्रश्न है वह ये कि ध्रुवा शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हमें कहाँ प्राप्त होता है। तो जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि ध्रुवा नाट्य शास्त्र के लगभग प्रचलित था, यानी जब भरत थे उस समय ध्रुवा शब्द का हमें उल्लेख मिलता था, इसलिए भरत ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र के अंतर्गत इस शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया है। तो हमें सर्वप्रथम कहाँ उल्लेख मिलेगा? ऑब्वियसली नाट्यशास्त्र में। सो सही उत्तर है यहाँ पे सी, नाट्यशास्त्र। सेकेंड क्वेश्चन है कि एकमात्र 17 पर्दों वाला सितार बजाने वाले वादक कौन है, यानी ऐसे कौन से वादक हैं जो 17 पर्दे वाले सितार बजाते हैं। ये एकमात्र ऐसे वादक हैं, यानी अन्य कोई ऐसा वादक नहीं है जो 17 पर्दे वाला सितार प्रयोग करता है। यहाँ पे सही उत्तर है पंडित देबू चौधरी। मैं आपको इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि इन्हें पद्म भूषण, पद्मश्री दोनों ही भारत के जो प्रतिष्ठित अवार्ड्स हैं वो मिल चुके हैं। इसके साथ ही यह DU यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के डीन और हेड भी रह चुके हैं। सेनिया घराने से ये संबंधित हैं, सेनिया घराने से ये संबंधित हैं और मुश्ताक अली खां के ये शिष्य हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है कि गान के 10 गुणों का वर्णन किस ग्रंथ में प्राप्त होता है। यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन डी, नादीय शिक्षा। नारद ने अपने ग्रंथ में सर्वप्रथम गान के 10 गुणों का वर्णन किया है। पंडित जसराज किससे संबंधित हैं, पंडित जसराज का घराना कौन सा है, और ये क्वेश्चन कई बार हमारे एग्जाम्स में आ चुका है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए ये मेवाती घराने से संबंधित हैं। ठीक है, पंडित जसराज जी मेवाती घराने से संबंधित हैं। इन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण दोनों ही अवार्ड मिल चुके हैं, पद्मश्री और पद्म भूषण दोनों ही अवार्ड्स इन्हें मिल चुके हैं। साथ ही मेवाती घराने के ये प्रतिष्ठित गायक हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि शरण रानी किस वाद्य से संबंधित हैं। शरण रानी सरोद की बहुत अच्छी वादक थी। इनकी 2008 में मृत्यु हो चुकी है। ओके, और इन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण दो पुरस्कार इन्हें भारत की तरफ से, भारत सरकार की ओर से प्राप्त हुए। हाल ही में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्तकर्ता हैं। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जैसा कि नेट जो UGC नेट है अपने पेपर में करंट अफेयर के भी काफ़ी क्वेश्चंस देता है। यहाँ अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो आपको इसका आंसर ज़रूर पता होगा और इसका सही उत्तर है बी, पंडित छन्नूलाल मिश्र। पंडित छन्नूलाल मिश्र जी जो हैं वह हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक हैं और बहुत प्रतिष्ठित गायक हैं। ठुमरी के ये विशेषज्ञ हैं, ठुमरी के लिए ये फेमस हैं और उत्तर प्रदेश के बनारस से ये संबंध रखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सद्राग चंद्रोदय किसकी रचना है, ये ग्रंथ किसने रचा है। सही उत्तर है बी, पुंडरीक विट्ठल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ प्राप्त होता है, क्योंकि ये जो कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे ध्रुवा का उल्लेख कहाँ मिलता है, तान का कहाँ मिलता है, राग का कहाँ मिलता है, तो ये एक बेसिक कंपोनेंट्स हैं संगीत के
और आपको इसके विषय में जानकारी होना जरूरी हो जाता है। पदाश्रित गीति है। तो देखिए, गीति दो प्रकार की होती हैं, स्वराश्रित। स्वराश्रित यानी जो स्वरों पर आश्रित है, और एक होती है पदाश्रित जो पदों पर आश्रित है। आश्रित यानी निर्भर। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका हमें अर्थ निकालना पड़ता है और इससे हमें क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में बहुत आसानी होती है। पदाश्रित गीति हमें छांटनी है, तो ये जो बाकी गीतियाँ हैं इनमें से मागधी पदाश्रित गीति है, साधारणी, बेसरा, भिन्ना ये स्वराश्रित गीति हैं। स्वराश्रित गीति कितनी है, मैं पहले बता चुकी हूँ ये बात, शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी, बेसरा, साधारणी, ये पांच स्वराश्रित गीतियाँ हैं। और मागधी, अर्धमागधी, संभाविता और प्रथुला ये पदाश्रित गीतियाँ हैं। टेंथ क्वेश्चन है कि हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित, ये सम्मानित है लेकिन यहाँ पे सम्मानित आना चाहिए, ओके, हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित संगीतकार कौन है। तो दोस्तों, अभी जनवरी 2020 में पद्म पुरस्कारों की घोषणा भारत सरकार के द्वारा की गई थी, पद्म पुरस्कार 2020, और इनमें कई संगीतकारों को भी पद्म पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिनमें से पंडित अजय चक्रवर्ती जी को, पंडित अजय चक्रवर्ती जी को यहाँ पर पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ओके। तो पंडित अजय चक्रवर्ती जी के बारे में आपको जो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूँ, शास्त्रीय गायक हैं, ठुमरी गाते हैं, ख्याल के विशेषज्ञ हैं, ठुमरी के विशेषज्ञ हैं, 2000 से भी ज़्यादा इनके शिष्य हैं, यानी इतने ज़्यादा लोगों को ये संगीत की शिक्षा दे चुके हैं। पश्चिम बंगाल से ये आते हैं और इन्हें पद्म पुरस्कारों में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मानसोल्लास का अन्य नाम क्या है। मानसोल्लास है क्या, ये एक ग्रंथ है, मानसोल्लास एक ग्रंथ है और इसका दूसरा नाम है अभिलषितार्थ चिंतामणि, अभिलषितार्थ चिंतामणि। ओहाटी ललित किस गीति का अन्य नाम है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था स्वराश्रित और पदाश्रित दो गीतियां हैं, जिनमें कि शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी, बेसरा, यानी ये चारों ही जो हैं स्वराश्रित गीतियां हैं। और इनमें से पूछा है कि ओहाटी ललित किसका नाम है। तो ओहाटी ललित कहते हैं गौड़ी रीति को, ओके। चारों ही स्वराश्रित हैं। पदाश्रित कौन सी थी, जो अभी हमने ऊपर पढ़ी वो थी मागधी। इनमें क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आता है जैसे कि मैंने बताया मागधी कौन सी गीति है, स्वराश्रित पदाश्रित, गौड़ी कौन सी रीति है, भिन्ना कौन सी रीति है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो आपको ये चीज़ें रटनी ही पड़ती हैं। 13th क्वेश्चन है कि पाश्चात्य संगीत में श्रुति कहलाती है। तो हमारे संगीत में तो हम श्रुति कह देते हैं, जो सबसे छोटा अंतराल है ना, वो श्रुति है, जो सबसे छोटी सुनाई देने वाली जो है, लेकिन पाश्चात्य संगीत में इसे क्या कहते हैं। पाश्चात्य संगीत में इसे माइक्रोटोन कहते हैं, जो सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई माइक्रोटोन कहलाती है। 14th हमारा क्वेश्चन है कि गुरु शशिधर आचार्य संगीत की किस विधा से संबंधित हैं। गुरु शशिधर आचार्य, तो ये भी एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, और अभी अगर आपने पद्म पुरस्कार पढ़े हैं तो देखिए इनमें ये छाऊ नृत्य से संबंधित है। छाऊ आप जानते हैं मुखौटों का नृत्य होता है, बहुत बड़े बड़े मुखौटे पहनते हैं ये, और एक तरह से युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं, युद्ध कला, ओके। साथ ही छाऊ कितने प्रकार के हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और साथ ही मैं आपको यहाँ बता भी देती हूँ, तीन प्रकार के छाऊ हैं, मयूरभंज। मयूरभंज कहाँ से संबंधित है, एक है राउरकेला, सॉरी सराउकेला,
ठीक है, और एक है पुरुलिया। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये तीनों कहाँ कहाँ से संबंधित हैं। तीनों ही अलग अलग स्टेट के छाऊ हैं, तीनों की अलग विशेषताएं हैं, लेकिन जो गुरु शशिधर हैं वो किस छाऊ से संबंधित हैं? तो ये गुरु शशिधर आपके सरायकेला छाऊ से संबंधित हैं, और ये कहाँ का है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। 15th क्वेश्चन है कि श्री पुरुषोत्तम दधीच किस से संबंधित हैं? पुरुषोत्तम दधीच किससे संबंधित हैं? ये कथक से संबंधित हैं। कथक के बहुत अच्छे ये शिक्षक हैं, कोरियोग्राफर हैं, नृत्यकलता हैं, इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला है। ओके, पद्मश्री मिला है इन्हें, और ये मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के इंदौर से, इंदौर से ही आते हैं। ओके, मध्य प्रदेश के इंदौर से संबंधित श्री पुरुषोत्तम दधीच को कथक के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला है। एक जो है ये गुरु शशिधर आचार्य हैं, इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? इन्हें भी पद्मश्री मिला है। ओके, तो एक बात मैं आपको बताऊं कि देखो, पद्मश्री होता है जो हमारे भारत सरकार की ओर से पुरस्कार दिए जाते हैं, चार पुरस्कार है ना प्रतिष्ठित, एक तो पद्मश्री है, एक पद्म भूषण है, एक पद्म विभूषण है, और एक भारत रत्न है। तो भारत रत्न तो बहुत ही विरले लोगों को प्राप्त होता है, मुख्यतः ये श्री विभूषण और भूषण दिए जाते हैं। तो इनमें से जो जो चार कैटेगरीज हैं, तो उसमें सबसे पहले आता है पद्मश्री, यानी एक तरह से जैसे हम अगर ऐसे रखें ना 1 2 3 4, तो सबसे जो नीचे इसमें जो कैटेगरी है वो है पद्मश्री, फिर आता है पद्म भूषण, फिर पद्म विभूषण, एंड देन भारत रत्न। तो गाइज, ये इस प्रकार इन जो संगीतकार हैं, इन्हें पद्म भूषण, विभूषण और पद्मश्री दिया गया है। तो ये थे हमारे आज के टेस्ट के 15 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, और आई होप आपने आज के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें लगाया होगा, और बताइए आपके कितने आंसर्स इसमें से करेक्ट थे। तो आपने इन्हें सॉल्व किया होगा, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने आंसर्स इसमें से सही थे। अन्य भी जो टॉपिक हैं उन पे मैं वीडियोस बना रही हूँ, और जल्दी से जल्दी मैं उन्हें अपलोड करने की कोशिश करूँगी। और इसके साथ ही प्लीज़ अपने आसपास साफ़ सफाई का ध्यान रखिए, और वायरस से बचने की कोशिश कीजिए, अपने घर में ही रहिए, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, और प्लीज़ इस जो भी ये बीमारी फैल रही है, प्लीज़ आप अपने आसपास अपना ध्यान रख के दूसरों की जान बचा सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो और भी जो वीडियोस हैं उनके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मेरी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। थैंक यू।